नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह हमें आपको खैरियत से रखे। आज मैं आपको अपनी रेसिपी से रान रोस्ट करने का तरीका बताऊंगी। मैंने लिए एक अदद रान। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो आप घर में ट्राई कर सकते हैं। एक अदद रान, हाफ के जी दही, अदरक लहसुन का पेस्ट जिसमें मैंने 2 अदद प्याज डाले हैं कटे हुए, वो उसका पेस्ट बनाया है, और 5 अदद ग्रीन चिली उसका भी पेस्ट बनाया है, अंदर मिक्स किया है। साबुत कुटी हुई लाल मिर्च हसबे जायका, टिका मसाला हसबे जायका, नमक हसबे जायका, काली मिर्च हसबे जायका। इसमें जो सॉस डालने हैं वो सोया सॉस और वेनेगर। ये रान को मैंने डीप कर दे रही हूँ, इसको डीप कर देना रान को। इसमें मैंने अभी काट लगा है रान में, अब इसमें वेनेगर छिड़क देना ऊपर आपने, दोनों साइड से वेनेगर छिड़कना आप इसमें ऊपर, सोया सॉस छिड़कते इसके ऊपर दोनों साइड से। फिर आपने हाथों से लहसुन अदरक का पेस्ट लगाना है इसमें अच्छी तरह। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें प्याज भी ऐड किया हुआ मैंने और इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की हुई हैं। इसमें आपने इसको अच्छी तरह लगाना है ताकि इसमें घुल जाए। ये जितने भी मसाले थे ये मैंने दही में ऐड मिक्स कर देने हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करना आपने, ये मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इस तरह मिक्स कर देना इसको अच्छी तरह। इसको अब हम रान में मसालों को मिक्स कर देंगे जो दही में डाले थे हमने, अच्छी तरह इसको डालना है, मिक्स करना है रान में ताकि सारी जगह भर जाए, कुछ जगह खाली ना रहे इसकी, दोनों साइड से। इसके बाद इसको हमने फॉइल में रखना है, इसमें ऊपर मसाले ऐड करके, और फिर इसके बाद हम इसको 4 आवर्स रखेंगे रेस्ट में। इसको हम अच्छी तरह इसमें मसाला रख करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। दोनों साइड में इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसको रैप करेंगे अच्छी तरह से। ये हम रैप कर इसको अच्छी तरह रैप करेंगे हम लोग। फॉइल पेपर से ये मैंने इसको अच्छी तरह रैप कर दिया है, ये देख रहे हैं आप। ये मैंने 24 घंटे तक रखी थी, और अब मैं इसको रखूँगी बनाने के लिए ओवन में 200 डिग्री तक। तो ये रेडी होती है तब मैं आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ये रान रेडी हो चुकी है। अगर आपको पसंद आई होगी तो आप घर में ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।